बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, आज आपके लिए इंग्लिश का छठा लेसन जो पेश किया जा रहा है, सिक्स लेसन लेसन ऑफ योर दिस सीरीज़ डेट इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद। इट इज़ ऑन पेज 74 ऑन योर टेक्स्ट बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीडिंग, आफ्टर दैट वी विल डू अ लिटिल बिट एक्सरसाइज। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मॉन्यूमेंट मीन्स मेमोरियल, यादगार। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। फ्रेंड कॉमनली इट्स नोन एज ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद कहते हैं इसे। वाई द रीज़न? बिकॉज इट्स इंटीरियर इज़ ब्यूटिफाइड। एम्बेलिश मीन्स ब्यूटिफाइड, डेकोरेटेड विद द ब्लू टाइल्स। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. So this masjid is situated in Istanbul, that is the largest city in Turkey, and this is also the it was the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction. So up to 1516 there was khilafat, jisko hum kehte hain, that was caliph in the Islamic history, and the Turkey was holding the khilafat, and they were holding the area from Europe, Asia and Africa also, and Istanbul was the capital city of that Ottoman Empire, and this city remained capital from 1453 to 1923. ऑलमोस्ट ये 500 साल तक जो है ये शहर जो है खिलाफत का दारुल खुलाफा रहा है, और ये टूरिस्ट के लिए सियाह जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, यानी दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वहाँ पर आते हैं और इसकी सैर करते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद द फर्स्ट। इट टुक 7 ईयर्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, एंड इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन द रीन ऑफ इन द टाइम ऑफ इन द एरा ऑफ अहमद अवल। जो बादशाह जो होते थे उनके नाम थे, और अगर इफ़ देर वॉज अहमद हु रूल्ड ओवर देर, एंड आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स एंड अदर अहमद कैम, एंड दैट ही वॉज नोन एज अहमद फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 50, 60 or 70 ईयर वॉज आफ्टर दैट एंड अदर रूलर कैम हुज नेम वॉज अहमद, दैन इट ही विल बी द अहमद 3। सो ही वॉज अहमद अवल। As was the custom, this masjid, like other masjids of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a houseboys. Students, at that time, it was tradition that when a masjid was constructed, it was there was a place left for the founder of the masjid, and he writes a will that when he dies, he should be buried there. कि अगर उसकी फौत के बाद उसको वहीं मस्जिद के आते में दफन किया जाए। अब मदरसा एंड हाउस बॉयज, फ्रेंड्स इट वाज अ ट्रेडिशन दैट इन द इस्लामिक हिस्ट्री देयर वर मदरसास अलोंग विद द मस्जिद एंड हाउस बॉयज। हाउस बॉयज इज अ प्लेस वेयर नीडी पीपल एंड ट्रेवलर्स आर अलाउड टू स्टे, लाइक दैट शेल्टर्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट प्रेजेंट। आजकल जो है वो मोहताज खाने या शेल्टर बनाए जा रहे हैं, इसी तरह से उस ज़माने में भी ये बनाए जाते हैं। दीज आर नोन एज हॉस्पाइस, हॉस्पाइस मीन मोहताज खाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। द रॉयल आर्किटेक्ट सैफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय सुल्तान एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। फ्रेंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1609। रॉयल मीन्स थिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद द किंग। जो भी बादशाह के लिए काम करते थे वो सारे के सारे रॉयल कहलाते थे। रॉयल आर्किटेक्ट मीन्स अ पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिज़ाइनर ऑफ द रॉयल बिल्डिंग्स। हिज नेम वॉज सैफर महमद आगा एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाई सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। इसकी इफ्तिताह का जो हुआ था, आगाज़ हुआ था इसके मस्जिद के बनाने का 1616 में हुआ। Unfortunately, Sultan could not see the completion of the masjid in his life. बदकिस्मती से सुल्तान
अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को मुकम्मल होते ना देख सका। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रीन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा फर्स्ट। फ्रेंड्स, द सुल्तान डाइड ड्यूरिंग द मस्जिद वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड हिज सक्सेसर मीन्स वन हु टेक्स प्लेस ऑफ हिम, उसका जानशीन जिसे कहते हैं, तो उसका जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल जो था उसके दौर में जाके मस्जिद मुकम्मल हुई। ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ओटोमन मस्जिद एंड बाइज़ेंटाइन चर्च। तो मस्जिद जो है उसमें दोनों तरह का फ़न तामीर जो है वो आपको झलकता नज़र आता है। इसमें उस्मानी खिलाफत का तर्ज तामीर भी शामिल है और बाइज़ेंटाइन चर्च का भी। बाइज़ेंटाइन उस वक्त एक ईसाई जो बहुत बड़ी रियासत थी तुर्की के साथ परे वाक़ थी, और उसमें चर्च बनाने का जो स्टाइल था वो भी इसमें शामिल था। आया सोफिया मस्जिद वन ऑफ द वर्ल्ड्स वंडर ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर वाज आल्सो कैप्ट इन व्यू एज अ मॉडल। और आया सोफिया जो मस्जिद थी जो दुनिया के अजायबात में से एक है, उसके तामीराती अंदाज को भी इसमें अपनाया गया था। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड अनमैच इन स्प्लेंडर मेजेस्टी एंड साइज। फ्रेंड, टिल टुडे दिस मस्जिद इज नोन फॉर इज वास्टनेस हिज ग्लोरी एंड इज ग्रेटनेस। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोर कोर्ट सराउंडेड बाई अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद जो है उसका एक वसी जो है वो दालान है, सैन है, और उसके इर्द गिर्द मेहराबी शक्ल की चार दीवारी बनी हुई है। इट हैज़ एवोल्यूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड। एवोल्यूशन फैसिलिटीज मीन्स वजू करने की सहूलियात। तो इसके दोनों तरफ जो है वजू करने की सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब हैं। इन सेंटर देर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड। और इसके वस्त में मरकज़ में सेंटर में एक फुहारा है जो कि मस्जिद के कुल साइज़ के मुकाबले में काफ़ी छोटा मालूम होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स बिगनेस इन साइज। अ हैवी आयरन चैन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड। और उसके मगरबी दरवाजे की दाखिले की तरफ जो है दरवाजे के ऊपर एक बड़ी लोहे की जंजीर लटक रही होती है। दिस साइड वाज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, और ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। द चैन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड लोअर हिज हेड एवरी टाइम इन द व्हेन ही एंटर द कोर्ट। और ये इसलिए कि बादशाह जब भी दरबार में आए तो अपने सर को झुका कर आए। इट वॉज सिम्बॉलिक जेस्चर टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द क्वीन। और ये एक अलामती किस्म की बात थी कि ये बताया जा सके कि बादशाह जो है वो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने आजिज़ समझता है और झुकता है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंड मेड सिरामिक टॉयल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस। और इसका जो अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद का, और नीचे की तरफ 20,000 हाथ से बनी हुई 50 मुख्तलिफ साइज़ की जिसमें ट्यूलिप के डिज़ाइन यानी कमल के फूल के डिज़ाइन बने हुए हैं उससे सजाई की है। एट गैलरी लेवल डिज़ाइन बिकम फ्लेम पॉइंट, और गैलरी की तरफ जाते हुए ये और बहुत ज़्यादा रंगीन और रोशन हो जाता है विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स फ्रूट एंड साइप्रस। और इसके आगे फिर वहाँ पर फूलों के फलों के और सफ़ेदे के जो हैं वो दरख्तों के उसमें तस्वीर बनी हुई हैं, उसमें उनके फूल बनाए गए हैं। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडोर्न विद ब्लू पेंट, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको नीले रंग से आरास्ता किया गया है। मोर देन 200 स्टेंड ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिज़ाइन अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर एंड द शैंडलर्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो। फ्रेंड, जो इसका ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर जो है तकरीबन 200 खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और उनमें इस तरह पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं कि वहाँ पर कुदरती रोशनी जो है वो अंदर दाखिल होती है। और उसके ऊपर जो फानूस, शैंडलर मींस फानूस वेयर लाइट्स आर लिट, उसको मज़ीद रोशन करती हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, और उसके जो सजावट है उसमें कुरानी आयात भी लिखी गई हैं। फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, और इसके जो फर्श हैं उनको कालीनों से सजाया गया है। ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व मार्बल। और इसके जो अंदर
का हिस्सा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी की चीज़ है वो उसकी मेहराब है, जिसको संगमरमर के पत्थर से तराश कर बनाया गया है। टू राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, और उसके साथ ही मेहराब के साथ ही एक कुर्सी या चेयर बनाई गई है जिसके ऊपर मास्क इज सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड एवरी वन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम। और मस्जिद की तामीर इस तरह से की गई है कि इंतहाई तौर पर भी जब ये भरी हुई हो तो लोग इमाम साहब को सुन भी सकें और उस पर उनको देख भी सकें। सो एंड पल्पिट इज़ अ सीट विच इज़ प्लेस्ड देयर एंड इमाम साहब गिव द फ्राइडे सर्मन ओवर देयर, यानी इमाम साहब जिस पर बैठ के सीट पर बैठ के जुमे का खुतबा देते हैं उसको पल्पिट कहा जाता है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, और शाही कमरा जो है वो उसके जनूब मशरक की तरफ वाक़ है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट दैट यूज़ टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोज़ेस, और इसके साथ जो है बादशाह के लिए एक लैदर कुर्सी बनाई गई है जहाँ से वो खुतबा देते थे और उसको कीमती पत्थरों और जवाहरात से सजाया जाता था। द ब्लू मस्जिद हैज़ सिक्स मीनार्स, ब्लू मस्जिद जो है इसके छः मीनार हैं। फोर मीनार शुड स्टैंड ईच एट द फोर कॉर्नर ऑफ द मस्जिद, और चार मीनार जो है मस्जिद के चारों कोनों पर हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मीनार हैज़ थ्री बेल्कनीज, और ये तीनों जो इनके जो मीनार हैं इनके ऊपर पेंसिल की शक्ल के मीनार जो हैं इनमें इनके अपने अपने बालकोनी यानी सामने वाले छज्जा बना हुआ है। वाइल द टू अदर्स एट द एंड ऑफ द फोर कोर्ट हैव ओनली टू बेल्कनीज, और जो आपके सामने जो दालान के ऊपर मीनार बने हुए हैं चार द्वारी के ऊपर उनके भी दो छज्जे हैं। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंटर्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू हियर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर्स, और शाम को वहाँ पर सियाहों का और तुर्कों का एक बहुत बड़ा जुमा मस्जिद के सामने इकट्ठा हो जाता है, और मगरब की नमाज के वक्त द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन, और उस वक्त जो मस्जिद जो है वो उसके चाहने वालों से और रोशनियों से भर जाती है, और इसी तरह से जो ईमान वाले बिलीवर्स मीन्स ईमान वाले डिवाइन लव अल्लाह ताला की मोहब्बत से, तो उनके दिल भी अल्लाह ताला की मोहब्बत से उस तरह भर जाते हैं जिस तरह की रोशनी से मस्जिद भरी होती है। तो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, और वक्त के साथ साथ मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा जो है वो गहना गया है, कम हो गया है। यस इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर, लेकिन अब भी इसके चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई है। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और मस्जिद अब भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली या जिनको लोग आके सराहते हैं उन यादगारों में से एक है। फ्रेंड इसके साथ जो है आपकी पढ़ने का हिस्सा ख़त्म हुआ है, अब आपको होमवर्क दिया जाता है। होम योर होमवर्क इज़ देयर एट पेज 74 ऑन योर ग्रामर एंड कंपोजिशन, देयर इज़ एक्सरसाइज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लेसन 4 लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसके नीचे 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं। यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेज इंटू नेगेटिव एंड इंटू इंटरोगेटिव, आपने उन 15 जुमले जो हैं उनको पहले नेगेटिव में चेंज करना है, फिर उसमें इंटरोगेटिव में चेंज करना और अपनी नोटबुक के ऊपर लिख रहे हैं। दिस इज योर होम टास्क, और उसके साथ आपका सबक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक जो है उसमें हम मिलेंगे।